अधिकारियों ने भी बढ़ चढ़कर वोटिंग की। लखनऊ में आला अधिकारियों ने वोट डाले और अन्य लोगों से भी मतदान करने की अपील की। रिपोर्ट देखिए। पांचवें चरण का संग्राम, वोटिंग में अधिकारी भी रहे आगे। पांचवें फेज के चुनाव की तैयारियों में दिन रात जुटे रहने वाले अधिकारियों ने भी आगे आकर मतदान किया। अधिकारियों ने जनता से मतदान करने की अपील की और खुद भी वोट डाला। प्रमुख सचिव सूचना अवनीश अवस्थी ने अपनी पत्नी लोक गायिका मालिनी अवस्थी के साथ मतदान किया। तो हर वोटर से अपील कर रहा हूँ, यूपी नहीं पूरे देश में, जहाँ भी अब वोटिंग के फेजेस रह गए, नए 18 वर्ष वाले वोटर हो, बूढ़े हो, बहुत वरिष्ठ नागरिक हो, सब परिवार के रूप में जो है निकलकर अपने वोट का अधिकार का प्रयोग करें। घर में बैठे तो काहे अलसात हो, घर में बैठे तो काहे अलसात हो, वोट डारे काहे नाही जात हो। और उसकी अगली लाइन थी, लाइन लगने में काहे लजात हो, थोड़ी मेहनत से काहे घबरात हो। इसके अलावा यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने अपनी पत्नी तो वहीं एडीजी मेरठ जोन प्रशांत कुमार ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अच्छा मतदान चल रहा है, शांतिपूर्वक चल रहा है और सभी वोटर्स से यही अपील है कि सब लोग आकर अपना मतदान दें यहाँ पर, और बिना भय के, बिना दबाव के अपने जो भी सबसे अच्छा कैंडिडेट लगता है उसको अच्छे से मतदान दें। मैंने अपना मतदान यहाँ दिया एज ए वोटर और एज डीजीपी ऑफ स्टेट। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस चुनाव को संपन्न करा रहे हैं। छुट्टी लेके मैं यहाँ आया हूँ अपने मताधिकार का प्रयोग करने अपने परिवार के साथ, और यहाँ मतदान बहुत शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चल रहा है और बहुत अच्छी व्यवस्था है। प्रमुख सचिव नवनीत सहगल, प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने मतदान किया। सूचना निदेशक शिशिर सिंह ने अपनी पत्नी गरिमा के साथ वोट डाला। चुनाव आयोग ने, राज्य सरकार ने और प्रशासन ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। अब ये सब मतदाताओं के ऊपर है कि इस पूरा जो त्यौहार है आज उसको कैसे सफल बनाते हैं। अपने राइट का इस्तेमाल करें, बिना किसी के कहे, बिना किसी के प्रभाव में आए बगैर आप अपने इस राइट का इस्तेमाल करिए। चुनाव तैयारियों से लेकर नतीजों तक अधिकारियों की भूमिका अहम होती है। अधिकारी चुनाव की तैयारी भी करते हैं और जनता को प्रेरित भी किया करते हैं। लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील करते हैं और खुद अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझते हैं और निभाते भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।